सेट रेटिंग ने पैप सोल्डिंग होनी ते कल बाकी फ्लोर पाई छुड़ाया था तो दो पैप उस जगह पार्क सामने कटे आए रहे ठीक है और सोल्डिंग कनेक्शन पाया नीचे ते हूँ ए टी पाना जी बाथरूम जैसी रेडिएटर वास्ते इधर फिर दूसरे रूम में रेडिएटर है ते लकड़ दो वुड ने पीस ला के सी कनेक्शन किते कि ताकि ए ना मैं इधर टांका लाँ तो उधर लाइन मीटर से आउट हो जाए और 90 डिग्री जगह 45 या 30 डिग्री हो जाए इस वजह तो उन्होंने पहले स्ट्रेट करके स्क्रू लगा दिया एक कट में लाया है दा ते उसने मैं जो अजी पाया सोल्डर नहीं किता है दा तो दूसरा मैं ये दा पे ठीक है कनेक्शन एला पाइप तक मूव हो गया ठीक है पीछे तुसी जले कटना होए क्योंकि उन्हें इतों में थे मेरा कनेक्शन बेसिक में थोड़ा जैसे ने लूज रिंज रखी है मैं कट सकूं ठीक है तो मजीद में सुन कटना और बाकी जो कुछ मैं तो सुनो दस ना किस तरह उसी सोल्डिंग अच्छे तरीके नाल हो जाए नाइस गुड क्लीन हो गया है इस पैप में क्लीन कर छोड़ने ये भी क्लीन हो गया दूसरा ऑलरेडी मैं पहले क्लीन कर के दा पहला पैप ठीक है और एटी टी दो किस्म ने होनी एक सोल्डिंग वाली होनी एक विदाउट सोल्डिंग इसलिए मेरे को सोल्डिंग वाली नहीं सी खत्म हो गई विदाउट सोल्डिंग मेरे को कोई नहीं सी मैं फिलहाल वो यूज़ करना नवे बंदे वास्ते सोल्डिंग वाली टी गुड है ठीक है सोल्डिंग करने से पहले उसकी पहली पेस्ट लाई जानी है क्योंकि ये हम डब्बी बहुत पुरानी है इसने पर नहीं आ रहा स्टिकर प्रॉब्लम है कि जड़ी नई डब्बिया आ रही उन्हें ऐला बुरश नहीं होना ठीक है तो कुछ बंदे हाथ हाथ यूज़ कर रहे हैं या किसी और चीज़ ना इस नाल बुरश होना है तो फिर असं ये पुरानी डब्बी दोबारा यूज़ कर रहे नवी डब्बी सट छोड़ने इस कट के ठीक है इस तरह ग्लू लानी है ये जड़ी है ना इस सोल्डर की जड़ा है इस नाल पैप नाल जल्दी सोल्डिंग हो जाना किस पास जिथे तक लगे उसी ना अच्छे तरीके ना ते फिर ये उसी कि तुसी इन जिथे तक सोल्डिंग है जैसी हीट उसी ना सोल्डिंग नू अंदर ले जैसी ये पैप की लाना पैसी टी की भी लाना पैसी ठीक है बहुत ज़्यादा भी नहीं लाना इतना होए कि सारा हो जाए क्योंकि पैप की भी अच्छे तरीके ना लाना पैसे ठीक है ये उनमें ला के दस सारे तरीके ना मैंने पता लग गया कि कोई जगह खाली नहीं ठीक है हूँ मैं पैप की ला सा इतना ज़्यादा भी बुरश की नहीं लाना कि जिसने ना थोड़ा इतना ज़्यादा हो जाए कि सोल्डिंग वो फिर पैप ने अंदर चली जानी है हल्का हल्का लाना साइड चेक करके बाकी जल्द तुम टी ला सो वो कवर हो जा सी हूँ मैं त्रै पैप त्रै पैप में ला सो तीसरे पैप में आ गया हूँ जिस टी की सोल्डिंग लाई सी और टी लाई बस
मेक श्योर चेक करना है पहले, इतने तक चल गया निशान लग गया, इतने तक चल गया ठीक है। मैं उसमें नीचे रखना ना दुई की भी ट्राई करके ना, कि फिर बाद में 100% श्योर हो सके मेरी टीम इतने तक लग सी। ये डोरमन स्टील है जो चिमनी रिमूव की है, कि असल स्टील जड़ा आर एस जे वॉल उपर कोई नहीं गया, कि अस नहीं वॉल जी है ना ये नेबर नहीं दसा नहीं सी, इस नेबर अस ऑलरेडी 4 इंच असा निका 3 इंच ऑलरेडी असा नहीं इधर है ठीक है। अस फिर इस मारे अस अपना पिलर किता एदा वेल्डिंग की इसकी, नीचे भी वेल्डिंग हुई है इधर भी वेल्डिंग करी छोड़ी है इस पास भी, तो त्रै बोल्ट इधर लग सन, त्रै बोल्ट इतने लग सन इस प्लेट की, एक प्लेट इतने लग सी होर। तो ये स्टील जड़ा आ इस जगह दूसरा स्टील असन इतने आ इतों उस वॉल तक गया स्टील ठीक है। ये इस तरह पे आ टोटल इतने स्टील पे ने त्रै चार एक ए पांच एवं छे छे स्टील टोटल पे ठीक है। तो बाकी फ्लोर तकरीबन कंप्लीटेड हो कंप्लीट हो गया, तो वायर से फ्लोर पटे प्रम्प टिके बन कि प्रम्प लाई दी इसकी होल्ड किया स्टील की, क्योंकि डोरमना इधरों अस बिल्कुल वॉल ने पर वॉल अस अपनी बिल्डअप करी छोड़ी है ठीक है थोड़ा तक। तो सेम इधर भी अस वॉल ने पर रखी है, सेम बिल्डअप करी छोड़ी है ठीक है। ए स्टील है स्काई विंडो पे गया एदा ठीक है। तो बाकी हूँ क्लीनिंग करन गए, क्लीनिंग तो बाद तो फ्लोर नी वायरिंग ऑलरेडी करी छोड़ी है साकटा ने। तो अज वैदर जरा नो गुड है, क्योंकि बहुत ज्यादा हवा आ तो रूफ ना काम ना कर सकने, इसनी वजह तू हूँ क्लीनिंग करनी टोटल सारी क्लीनिंग, अज दो बंदे तो सारी क्लीनिंग करी थल स्लेटा शेटा आई उपर। तो यह जी एक्सटेंशन है ये डबल स्टोरी एक्सटेंशन है, इस ना रूफ तकरीबन इतने ऐसी गेबल स्टाइल ना रूफ सी, इतना गेबल जहा बन सी इधरों इधरों भी इतना ठीक है। तो इधरों रूफ इतना उसी रूफ जा सी इस एंगल चू इत तक इस तू फिर ये सेम एंगल बन जा सी इधर ठीक है। तो फ्रंट साइड पर असा फ्रंट साइड असा रूफ कंप्लीट करी छोड़ा, तो सिर्फ रूफ कंप्लीट किया लैड लाई छोड़ी है स्टील सी जी जो जी असा वो एपर ला के वेल्ड कर छोड़ा नीचे फ्लोर है। तो ब्रैकटा लाइया इसकी साइडा तो बड़िया ये हूँ स्क्वेयर हो गया रूप साड़ा है। तो बाकी तक दस रहे हैं